नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल के चैनल में स्वागत है। ये हमारा दिल्ली में EMMC बैच 2 चल रहा है, बैच 2, और इसमें EMMC प्लस आईफोन भी है। जो EMMC वाले स्टूडेंट हैं उनका 20 डेज का था, आईफोन वालों का 30 डेज का था। तो आज ये जो बैच को पांचवा दिन है, चार दिन हो गए स्टार्ट हुए। पहले वाली वीडियो में फर्स्ट डे से आया था, इस बारी में मैं फिफ्थ डे आया हूँ, चार दिन का रिव्यू करने के लिए इन्होंने क्या किया और क्या आता है। तो मैं कहीं से भी पूछ सकता हूँ कुछ भी, और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ाया है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली में किसी और इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक बार हमारे यहाँ के डेमो क्लास जरूर लेना, उसके हम चार्जेस नहीं लेंगे। आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाते हैं और आप क्या वहाँ पर सीख रहे हैं। इससे क्या होगा, जब कंपटीशन होता है तो चीज अच्छी होती है, क्योंकि बहुत दूर से हमारे पास इस इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया से लगभग लोग आए हुए हैं सीखने के लिए, और हम चाहते हैं वो जिस हमारे उम्मीद से आए हैं हम वो सारी उम्मीदों पे उनके खरा उतरे। और मैं इन चार दिनों का रिव्यू लूंगा और इसमें पूछ सकते हैं कि हमने क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया, और पता भी करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय कपूर। जोर से बोलो। विजय कपूर। विजय कपूर, पहले क्या करते थे? मोबाइल रिपेयरिंग ही करते थे। कब से? दस बारह साल हो गए। दस बारह साल में आप रिपेयरिंग कर रहे थे, और अभी यहाँ कितने दिन हुए? पांचवा दिन है। तो चार दिन में जो आपने सीखा, तो आपको लगता था 10-12 साल में सेम सिखाया, कुछ हटकर था? बहुत कुछ हटकर था। कंपोनेंट के बारे में आज तक हमें नॉलेज नहीं थी, आज हमें कंपोनेंट के बारे में नॉलेज मिली है। हमें भाई कैपेसिटर क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, इनको कैसे चेक करना है, इनको कैसे ऑन बोर्ड में चेक करना है, ऑफ बोर्ड में चेक करना है, ये सब नॉलेज मिली। पहले हम क्या करते थे, जुगाड़ करते थे, खराब है तोड़ के देख लिया, ठीक कर लिया। अब हमें प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर चेक कर लेते हैं। आवाज नहीं आएगी, हां खड़ा हूं, आवाज नहीं होती। हां, क्या कह रहे हो? तो हम तो प्रॉपर चेक करके उतारते हैं कंपोनेंट वगैरह कोई भी है ना। पहले क्या करते थे? पहले वैसे उतार देते थे आईडिया से, ऐसे जुगाड़ करा, नहीं चला तोड़ दिया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कस्टमर को दे दिया। लेकिन अब क्या, प्रॉपर हम मीटर से पहले चेक करते हैं। सर ने सिखाया हमें कैपेसिटर के बारे में, डायोड के बारे में, रेजिस्टर के बारे में। चार दिन में क्या क्या सिखाया हमें? कैपेसिटर सिखा दिया उन्होंने, सारे कंपोनेंट सिखा दिए, सारे कंपोनेंट्स की बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज सारी दे दी उन्होंने। मल्टीमीटर से लेके हर चीज सिखा दी। हाँ, मल्टीमीटर पे भी बताया क्या क्या होता है? हाँ, सब मतलब सारे मोड बताए हम। पहले एक मोड चलाते थे, बीप मोड ओके या वोल्ट मोड ओके। अब इन्होंने डायोड मोड बताया हमें, बजर मोड बताया, वोल्ट मोड बताया, बहुत एडवांस करा इन्होंने। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट की नॉलेज हमें बहुत अच्छी आ गई। अच्छा, कि सारे कंपोनेंट के बारे में पता चल गया, एक एक चेक करके उतार सकते हैं। फिर हैंड प्रैक्टिस इन्होंने अच्छी करवाई हमारी, चार दिन में हैंड प्रैक्टिस भी हुई है। आईसी बनानी सीख गया कलम, आईसी बनाने सीख गए कलम, आईसी बनानी सीख गए चौथे दिन में। चौथे दिन में आपको आईसी उतार, उन्होंने आईसी उतार के लगा कर चार पांच बार बनवा के दिखा दी उन्होंने, बनवा दी। क्लास कितने घंटे चलती है? आठ घंटे कम से कम, आठ घंटे चलती है। तो आपको लगता है कि हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा? उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। मैं तो कल भी बोल रहा था बात। अच्छा, उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि जो फास्ट चल रही है और उसमें हैंड प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। हैंड टाइमिंग कराते हैं? हाँ, बहुत कहते नहीं कराते हम लोग। नहीं सर, अभी जाली उतरवा रहे हैं बोर्ड की। अच्छा, अभी गलत उतारी थी, टोक दिया उन्होंने। ओके, अब बताते हैं, ऐसी बात नहीं कि करते रहो, गलत है तो टोक भी देते हैं। और पूछो तो टीचर्स कोऑपरेट करते हैं, बार बार। अच्छा, एक क्वेश्चन को 10 बार पूछो, कोई मना नहीं कर रहा, कोई मना नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। तो आप सेटिस्फाई हो? 100%। किसी और इंस्टीट्यूट में गए हो पहले? किसी का नाम बताया क्या? अपने मैं खुद नहीं गया था, अपने लड़के को भेजा था मैंने। कहाँ पे? नाम नहीं लूंगा मैं, भेजा था मैंने जरूर। तो वहाँ कोई एक महीना लगा के कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। एक महीना? पूरा एक महीना। वो तो कह रहे 50 दिन का कोर्स होता है, 60 दिन होता है, हमने एक महीने बाहर निकाल लिया था। टाइम वेस्ट हो रहा था ना, टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आपको लगता है कि जो हमारा 15-20 दिन का बैच है, ये 50 दिन वाले बैच में बहुत भारी है? बहुत ज्यादा। ओके, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ जब सीख के निकलूंगा, मेरे 50 दिन वाले मेरे सामने बिठा देना। किसको? 50 दिन वाले कोर्स मेरे सामने बिठा देना, उन बच्चों को। हाँ, अच्छा, अगर वो एक भी कर दे मेरे साथ, मान जाऊंगा। चलो गुड यार, ये तो इनका विश्वास है। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन जी, कहाँ से आए हो आप? प्रॉपर राजस्थान, कर्नूल आंध्र प्रदेश में। कर्नूल आंध्र प्रदेश, बहुत दूर से आए हो। तेलुगु बोल लेते हो? चप्पनी। अच्छा, तो आप कर्नूल आंध्र प्रदेश से इतनी दूर से आए हो, तो आपको यहाँ रहने खाने की दिक्कत नहीं हुई? रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कितना खर्चा आ गया आपका रहने खाने पीने का? कितना खर्चा आ जाता है रहने खाने का? मतलब 8-10 हज़ार तक, 20 दिन। 8-10 हज़ार हो जाता है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली में? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कहते हैं दिल्ली में रहना खाना बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है, कुछ नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपके आंध्र प्रदेश में भी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ छोड़ के यहाँ आए, तो आपको कुछ सीखने को मिला भी? बिल्कुल मिला है ना। क्या? इससे पहले जब मैं रिपेयरिंग करता था ना। अच्छा, आप रिपेयरिंग करते थे अभी पहले? मतलब रिपेयरिंग काम, वो टच सर्विस वगैरह डालता, चार्जिंग पिन वगैरह डालता था, कभी कभी हेडफोन भी आते थे, तो उसको जस्ट वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ करते थे।
नहीं मालूम था, अब पता चला आपको? पता चला है कि ये रजिस्टर होता है, ये कैपेसिटर होता है, ये कॉइल होती है। अच्छा, हमको पहले सभी एक तरह से दिखते थे, मतलब रजिस्टर क्या है, नाम की इधर किस नाम। अच्छा, यही सुना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब चार दिन आप यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा पैसा है वो वसूल? नहीं, आपको लगता है जो आपने फीस दिया वो वसूल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तेलुगु में क्या कहना चाहोगे? कोई नहीं, वैसे वैसे आप तेलुगु में क्या कहना चाहोगे? जो आप और भी लोग देखते हैं आंध्रा से आना चाहते हैं, वो कंफ्यूज है दिल्ली में रहना खाना पीना महंगा है, क्या कहना चाहोगे कि आए या ना आए? वो कह रहे हैं और भी आपने चैनल्स में वीडियो देखी होंगे हमारे। मैंने खुद ने देखी। अच्छा, देखी थी। तो आपको क्या लगा जो वीडियो में दिखता है और यहाँ पर फर्क है? कहीं और ट्राई किया था, 30,000 रुपये 50 दिन का कोर्स बताया था। ओके, तो मुझे अभी उम्मीद है कि इससे तो यहाँ पर अच्छा ही है। अच्छा ही है, मतलब 20 दिन में सीखने को मिल जाता है और 5,000 एक्स्ट्रा है, मगर वो वसूल है। वसूल है, बिल्कुल वसूल है। ठीक है, चलो।